जय श्री गणेश। पिछली वीडियो में राजा पूर्वेशा की कथा हमने सुनी। अब बैसाख मास के महात्म्य में आज हम राजा पूर्वेशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा सायुज की मुक्ति की कथा हम सुनेंगे। सुखदेव ने कहा, परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुण की पीठ पर विराजित थे। उनका दुसह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच आ गया और नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद से उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वात्मदेव जगदीश्वर श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धुवन रूप गंगा जी, ब्रह्मा जी सहित तीनों लोक को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा को समर्पण करके अद्वितीय महापुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद भगवान की उन्होंने स्तुति की। शरणागतों की पाप राज का नाश करने वाले आपके चरण बिंदुओं को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो आपके हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण और जीवभाव को आपके चरणों में चढ़ाकर वे योगीजन तथा चरणों के चंदन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। प्रभु विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो छिन गया था, वह भी आपकी महान अनुग्रह हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहने वाला हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की अभिलाषा करता हूँ। अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। देवेश्वर जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए ही दूर हो जाए। धन्य है राजा पूर्वेशा, जिन्होंने सब कुछ पाने पर भगवत भक्त के लिए सब कुछ मोहमाया को त्यागने के लिए भगवान की आशीष मांग रहे हैं। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपकी तीर्थ और कथास्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथाओं में बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में, मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का ज्ञान करता रहे। राजा के इस प्रकार स्तुत करने पर कमलनयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामनारहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट हो, मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से स्नान, दान आदि क्रियाएँ करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है तो उसका फल अक्षय होता है, निर्विशिष्ट। जो कुटुंबी ब्राह्मण गाय दान करता है, उसके हाथ में संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो बैसाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को हर लेता हूँ। इस बैसाख मास में
मेरे चरण चिंतन की ही भांत ऐसे सहसों पापों को हर लेता है जिनके लिए सांसों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं इंद्रधान हो गए। तदनंतर राजा पुरेशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपयोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु की परम पद को प्राप्त करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।